हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास वन में इंग्लिश पढ़ाई थी, लेसन सेवन टोमेटो सैंडविच। आज का टॉपिक है मेरा टोमेटो सैंडविच, जिसको मैंने अभी आपको इससे पहले वीडियो में पढ़ाई थी। अब इसका आंसर लिखेंगे वर्ड ऑफ डेज, इसको करना है। आज मैं आपको उसका करवा रही हूँ, आप क्वेश्चन इसका फिर मैं आंसर करवाऊंगी। आप देखिए वन का ए का आंसर क्या है। व्हाट डज रोहित वांट फॉर लंच, रोहित जो है वह लंच में क्या ले जाना चाहता था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे रोहित वांट ए टोमेटो सैंडविच फॉर लंच। हाँ, रोहित जो है लंच में टोमेटो सैंडविच ले जाना चाहता था। रोहित वांट से टोमेटो सैंडविच फॉर लंच। ओके स्टूडेंट, अब इसका बी का आंसर देखिए। व्हाट फूड डज मामा पुट इन रोहित लंच बॉक्स, है ना। तो रोहित की माँ जो थी वह लंच बॉक्स में कौन सा फूड डाली थी, आप लिखिएगा। मामा पुट बनाना इन रोहित लंच बॉक्स। ओके, मामा पुट बनाना इन रोहित लंच बॉक्स। और सी का आंसर देखिए। व्हाट डज द टीचर गिव रोहित, टीचर जो है रोहित को क्या दिया, आप क्या लिखेंगे। टीचर गिव्स टीचर गिव्स अ टोमेटो प्लांट्स टू रोहित। टीचर जो है रोहित को टोमेटो का प्लांट दिया था। आप बी का आंसर हु है इन प्लांट इट, तो क्या लिखेंगे। मामा हेल्प हिम प्लांट। ओके, जो वन का एबीसी, अब आप देखिए टू का आंसर क्या कर रहा है। व्हाट ग्रो फर्स्ट ऑन द प्लांट, द फ्रूट और ए और द फ्लावर्स। व्हाट ग्रो फर्स्ट द प्लांट, प्लांट में सबसे पहले क्या ग्रो किया था, फ्रूट्स किया था या फ्लावर्स किया था। आप इसके आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन फ्रूट्स या फ्लावर्स। आप फ्लावर में द फ्लावर, हाँ सबसे पहले उसने फ्लावर्स लगा था। तो इसका थ्री में है इज गुड टू ग्रो योर ऑन वेजिटेबल्स फाइव, तुम अपने से अगर वेजिटेबल्स लगाते हो तो क्या होगा, क्या है। इट गुड टू ग्रो योर ऑन वेजिटेबल्स, आप जो अपने से वेजिटेबल्स लगाते हैं वह अच्छा होता है, क्यों। तो आप लिखिएगा पहले आंसर में यस, कॉमा देकर लिखिएगा बिकॉज बिकॉज व्हेन वी ग्रो
our on vegetable we get fresh one. अगर हम उसे वेजिटेबल्स का प्लांट लगाएंगे तो हमें क्या होगा, ताजी सब्जी मिलेगी। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए। व्हाट वेजिटेबल्स डू यू लाइक, व्हाट वेजिटेबल्स डू यू लाइक, आप कौन से सब्जी खाना पसंद करते हैं। बी लाइक द बेस्ट पोटैटो, ज्यादातर आदमी को पोटैटो ही पसंद आता है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में है कि यहाँ सब्जी का पहचानिए, कलर कीजिए कौन से इसमें सब्जी है और कौन सा फ्रूट्स है, और इसका कलर करके इसमें नाम लिखिए। ये बच्चे आप अपने से खुद से घर में बैठकर इसमें वर्क करेंगे कि यह सब्जी है कौन सा, और ये फ्रूट्स है कौन सा, यहाँ भी कौन सब्जी है कौन से फ्रूट्स हैं, इसमें आप कलर भरेंगे और इसका नाम लिखेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, बाय।